हरियाणा से खबर देखिए। हरियाणा की सियासत में जबरदस्त हलचल है। टिकट मिलने के बाद आज जुलाना में विनेश फोगाट प्रचार कर रही हैं और खाप के कई नेता उनके साथ हैं। जगह जगह विनेश का स्वागत हो रहा है, खासकर खाप पंचायत और राठिया समुदाय उन्होंने स्वागत किया है, फूल मालाओं से लादा जा रहा है। विनेश इस वक्त प्रचार करते हुए अपने ससुराल जा रही है और उनका ससुराल जुलाना सीट के ही तहत आता है। 6 खाप पंचायतें और राठिया समुदाय विनेश फोगाट का स्वागत कर रहे हैं। रैली में विनेश फोगाट के ससुराल बख्ताखेड़ा में है और आपको बता दें जुलाना सीट पर पिछले 15 साल से INLD और JJP का कब्जा रहा है और इस बार कांग्रेस को उम्मीद है कि विनेश फोगाट को दावेदारी दी गई है तो मामला दिलचस्प हो जाएगा। आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी की रिपोर्ट। कांग्रेस ने आपको बिठाया था आंदोलन पे, वो बात बाद में बताऊंगी मैं, किसने बिठाया किसने नहीं बिठाया। हाँ। बीजेपी के लोग ही बिठाने वाले हैं हमें, सबसे पहले जब हम गए थे उन्होंने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे। 15-20 साल से कांग्रेस जीती नहीं यहाँ से, आप गलत तरीके से साजिश थी सर। ब्रजभूषण देश नहीं है, हाँ जी मेरा देश मेरे साथ खड़ा है, मेरे अपने मेरे साथ में है, वो मेरे लिए मैटर करते हैं। ब्रजभूषण कभी एग्जिस्ट नहीं करता, दर्शक नहीं है मेरे अपने हैं और इनके आशीर्वाद से जो कुश्ती में जीतते हैं तो ये एक नई जिंदगी की एक कमी लगा लो ये, और इनके आशीर्वाद से इसमें व्यापार निकलेंगे। ब्रजभूषण कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आपको बिठाया था आंदोलन पे, वो बात बाद में बताऊंगी मैं, किसने बिठाया किसने नहीं बिठाया। हाँ। बीजेपी के लोग ही बिठाने वाले हैं हमें, सबसे पहले जब हम गए थे उन्होंने परमिशन लिया था जंतर मंतर पे। और रेलवे ने इस्तीफा मंजूर नहीं करा, नामांकन कैसे भरेंगे विनेश? देखो सर वो तो आगे की प्रोसेस है सारा। हाँ। लीगली हम सब रेडी कर रहे हैं सारी चीजें, एक बड़ी बस मेरे अपनों ने साथ दिया है, जैसे कुश्ती में जीता है ऐसे भी इधर भी आशीर्वाद रखेंगे और इनके आशीर्वाद से हर जंग को हम पार कर जाएंगे। मेडल का दुख तो उसी दिन कम हो गया था जब मैं एयरपोर्ट से आई थी, मेरे देशवासियों ने जो प्यार दिया था वो दर्द वो दुख दुख कम हो गया था। अभी तो इनका दुख कम करना है मेरे को, वो मेरे पे जिम्मेदारी है सर। 30 साल की होगी मैं चुनौतियों से निकल के आई हूँ, जब अपने साथ में होते ना हर चुनौती से पार कर जाता है इंसान, वो इनका आशीर्वाद उनका प्यार हमारे साथ। कि जब से विनेश फोगाट का नाम कांग्रेस के बतौर MLA कैंडिडेट की लड़ाई के लिए यहां से जुलाना विधानसभा हल्के के लिए अनाउंस हुआ है, उसके बाद यहां विनेश फोगाट अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करने के लिए आई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे फूल माला पहनाकर बड़ी माला देकर मिठाई खिलाकर एक दूसरे को विनेश फोगाट का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। और ये जो स्वागत समारोह है, जो अलग अलग खाप पंचायत है, चाहे वो चुगामा जो 6 गांव की खाप पंचायत हैं उनके जो नेता हैं उन्होंने आयोजन किया है, और साथ में जो राठी समाज की खाप पंचायत है उन्होंने आयोजन किया है। अभी मैं पोली गांव में हूं, यहां से वो अपना जो सफर शुरू करते हुए गांव से गांव होते हुए लोगों को मिलते जुलते हुए अपने जो उनके जो घरवाले हैं सोमवीर राठी उनका जो गांव है भक्ताखेड़ा वहां जाएंगी, लोगों को संबोधन भी करेंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अब जो जुलाना का रण है, चुनावों का जो रण है वो गर्म हो गया क्योंकि अब ये सीट हॉट सीट बन चुकी है। हालांकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर अपना पत्ता नहीं खोला है, पर पिछले 15 सालों से यहाँ कांग्रेस नहीं जीत पाई है, तो विनेश फोगाट जैसे एक बड़े चेहरे को उतार कर इस सीट को हॉट सीट तो बना दिया है, जहां मुकाबला बहुत कड़ा हो गया है। हमसे बातचीत करते हुए मीडिया वालों से जब उनसे ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सवाल जवाब किए गए तो उन्होंने बोला कि मैं सही समय आने पर इस पर बातचीत करूंगी। जब उनसे पूछा गया कि अगर आप चुनाव जीतती हैं जो आप मेडल से डिस्क्वालीफाई हो गई थी उसकी खुशी आपको मिलेगी, मतलब उस दुख पर असर होगा उस खुशी का, तो उन्होंने बोला कि जब मेरा एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ था वो खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी और अब वो यहां से जीतकर अपने लोगों को खुश करना चाहती हैं। और आप साफ तौर पर आशुतोष तस्वीरों में देख सकते हैं कि बड़ा जनसैलाब है यहां पर उतर आया है।